नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे देश में कोरोना बेकाबू होती जा रही है और इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि इन राज्यों में बदल गई है 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम की तारीख। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि देश भर के राज्यों में बोर्ड परीक्षा होने वाली है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों ने बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव कर दिया है। अभी तक सिर्फ बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया है। कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते हर दिन किसी न किसी राज्य का बोर्ड एग्जाम की डेट्स में बदलाव हो रहा है। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते यूपी, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र ने एग्जाम डेट्स बदल दी है। पंजाब बोर्ड ने परीक्षा की तिथियों में बदलाव के साथ ही नई डेट शीट भी जारी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, महाराष्ट्र में धारा 144 लागू। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदियां लागू कर दी जाएंगी। आज से ब्रेक द चेन अभियान शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि 15 दिन तक केवल जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, बिना जरूरत कहीं भी आना जाना बंद करना होगा। पूरे राज्य में धारा 144 लागू रहेगी। बेवजह घर से निकलने पर बैन रहेगा। लोकल और अन्य बसें चलती रहेंगी। ऑटो टैक्सी की सेवाएं भी जारी रहेंगी। बैंक के कामकाज भी जारी रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सख्त फरमान। अब नौकरी छोड़ना भी नहीं होगा आसान। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल हो, कोई भी आपको इलाज के लिए मना नहीं कर सकेगा। और साथ ही अगर प्राइवेट या सरकारी किसी भी अस्पताल का कोई स्वास्थ्य कर्मी इस कोरोना काल में छुट्टी लेना चाहे या फिर नौकरी छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए भी उसको सीएमओ की इजाजत लेनी होगी। लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, कोरोना की पाबंदियों से बेपटरी पर हो रहा है व्यापार। 10 दिन में 46,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए लगाई जा रही पाबंदियों से व्यापारियों को तगड़ा नुकसान होने लगा है। देश के कई राज्यों में बीते 10 दिन में कोरोना कर्फ्यू और आंशिक लॉकडाउन के चलते करीबन 46,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ है। इसमें से खुदरा व्यापार को करीबन 32,000 करोड़ और थोक कारोबार को करीबन 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। तमिलनाडु से चलेंगी सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन। तुरंत कराएं रिजर्वेशन, मिलेगा कंफर्म टिकट। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों से कोरोना वायरस संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। इसके चलते हर रोज बड़ी संख्या में मामले रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और मौतों का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में संक्रमण की वजह से रेलवे भी अपनी ट्रेनों का संचालन जरूरत के मुताबिक कर रहा है। साथ ही यात्रियों से भी अपील कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर रेल की यात्रा करें। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि अब उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से तमिलनाडु के मन्नारगुड़ी से साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, सीएम केजरीवाल ने की है स्वस्थ हो चुके लोगों से अपील कि कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा करें दान। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए बहुत ही कम प्लाज्मा उपलब्ध है। उन्होंने संक्रमण से उभर चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है। दिल्ली में 14 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों में तब्दील करने के आदेश दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आपातकालीन ऑपरेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गोल्ड ज्वेलरी पर अब 1 जून से अनिवार्य हो जाएगी हॉलमार्किंग। सरकार की बड़ी तैयारी। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1 जून 2021 से सोने की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग यानी कि शुद्धता का ठप्पा अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी ये वॉलंटरी है। केंद्र ने सोने के गहने और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा नवंबर 2019 में की थी। ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग की तैयारी करने और भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 साल से अधिक का समय दिया गया था। कोविड-19 महामारी के बीच सराफा कारोबारियों की मांग पर ये डेडलाइन जून 2021 कर दी गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत में अब खुला विदेशी वैक्सीन का रास्ता। सभी टीकों को मंजूरी देगी सरकार। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए अब विदेशी वैक्सीन का रास्ता खुल गया है। वो टीके जो विदेशों में बने हैं और वहां के रेगुलेटर ने इमरजेंसी यूज की अनुमति दे रखी है, उसे भारत में भी इस्तेमाल की इजाजत मिल सकती है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने को लेकर भारत के पास 3 टीके के अलावा और भी टीके होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की, महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर खुश हो जाएंगे केंद्रीय कर्मचारी। दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने महंगाई भत्ते को बहाल करने की बात कही थी।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की सुविधा एक बार फिर से बहाल कर दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोविड 19 वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों को FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज दर, जाने क्या है स्कीम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों के लिए एक स्पेशल फिक्स्ड स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत वैक्सीन लगा चुके लोगों को फिक्स्ड डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दर मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस तारीख को आएंगे पीएम किसान के 2000 रुपए, अटक जाएगी आपकी रकम अगर कर दी ये गलती। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसान कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में अटकलें भी ये हैं कि इस महीने के आखिर तक किसानों के अकाउंट में ये किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में साल में 2000 की 3 किस्तें डाली जाती हैं, यानी कि साल में कुल 6000 रुपए किसानों को सीधे ही ट्रांसफर किए जाते हैं। इस बार सरकार 11.66 करोड़ किसानों के खाते में ये रकम डाल रही है। दोस्तों अगर आप भी किसान हैं और आपको पीएम किसान का कोई भी पैसा अभी तक नहीं मिला है तो कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन लगेगा तो मुआवजा दे सरकार, देश के कारोबारियों ने वित्त मंत्री से की है मांग। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद से राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र भेजकर मांग की है कि इस बार महामारी से बचाव में यदि कोई राज्य लॉकडाउन की घोषणा करता है जिससे कि दुकानें बंद हो तो सरकार को उन सभी व्यापारियों को उचित मुआवजा देना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारियों के आने पर रोक, सरकार ने जारी किए निर्देश। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारियों को बुलाए जाने पर रोक लगा दी है। निजी कंपनियों से भी इसके लिए आग्रह किया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और कहा है कि सभी सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 10,000 रुपए सस्ता हो चुका है सोना, 56 से 46,000 पर आया, अभी नहीं खरीदा तो पड़ सकता है पछताना। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना के कारण कई शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। इस कारण सराफा बाजार में सोने की मांग में कमी आ गई है। इसी का नतीजा है कि बीते 2 दिनों में सोना 202 रुपए सस्ता होकर 46,352 रुपए पर आ गया है। अगस्त 2020 में सोना अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 56,200 रुपए पर पहुंच गया था, लेकिन अगस्त से लेकर अब तक सोना 10,000 रुपए सस्ता हो गया है। ऐसे में आपके लिए सोना खरीदने का ये सही समय हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोना महंगा हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अभी राहत, 14वें दिन भी नहीं बढ़े दाम। दोस्तों आपको बता दें कि कच्चे तेल में अब मजबूती लौटने लगी है। हालांकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, पिछले महीने मार्च में 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई थी, लेकिन इसके पहले फरवरी में पेट्रोल और डीजल के रेट 16 बार बढ़े थे। आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 90.56 रुपए, जबकि मुंबई में पेट्रोल 96.98 रुपए और कलकत्ता में 90.77, जबकि चेन्नई में 92.58 रुपए पर मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इन राज्यों में बदल गई है 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम की तारीख, जानिए पूरी डिटेल। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश भर के राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है। अभी तक सिर्फ बिहार बोर्ड की परीक्षाएं हुई है और उनका रिजल्ट भी आया है। कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते हर दिन किसी न किसी राज्य का बोर्ड एग्जाम की डेट्स में बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना के संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र ने एग्जाम डेट्स बदल दी है। पंजाब बोर्ड ने परीक्षा की तिथियों में बदलाव के साथ नई डेट शीट भी जारी कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षाओं की तारीख में बदलाव किया है। यहां कक्षा 10वीं की फाइनल परीक्षा 8 मई से 25 मई के बीच में 2 शिफ्ट में होगी। ऐसे ही आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते हमले को देखते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। महाराष्ट्र में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 29 अप्रैल से 12वीं की परीक्षा 23 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन इनकी तारीखों में बदलाव कर दिया गया है। 10वीं की परीक्षा जून में जबकि 12वीं की परीक्षा मई के अंत तक आयोजित की जाएगी। ऐसे छत्तीसगढ़ में 10वीं की परीक्षा 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन बोर्ड ने इन्हें स्थगित कर दिया है। पंजाब में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया गया है। यहां 10वीं की परीक्षा 9 अप्रैल से होने वाली थी, जो अब 4 मई से 24 मई के बीच होगी। वहीं 22 मार्च से होने वाली 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से
24 मई के बीच में होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन लगेगा तो मुआवजा दे सरकार, देश के कारोबारियों ने की है वित्त मंत्री से मांग। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद से राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र भेजकर मांग की है कि इस महामारी से बचाव में यदि कोई राज्य लॉकडाउन की घोषणा करता है जिससे कि दुकानें बंद हो तो सरकार को उन सभी व्यापारियों को उचित मुआवजा देना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है तथा ऊंची पहाड़ी पर हल्की बर्फबारी के भी आसार हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मराठवाड़ा में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में कल से बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।